केंद्र तय किए जाएंगे वो 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर तय किए जाएंगे। तीसरा एक विषय जो अभी ध्यान में आया, इन दिनों में चुनाव के दिनों के अंदर प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है और धान की प्रोक्योरमेंट में भले ही हमारा टारगेट जितने तय किए थे पिछली प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, वो टारगेट से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, फिर भी हरियाणा के कई जगह के किसान थोड़ा देरी से जहाँ फसल होती है वो भी मंडी में आ रहे हैं। हमने तय किया कि हरियाणा के किसान का एक एक दाना फसल का, धान का जो खास करके अभी चल रही है या फिर और भी जो फसलें हरियाणा के किसान की प्रोक्योरमेंट, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आने देंगे, एक एक दाना उसका खरीदा जाएगा। ऐसे मुख्य रूप से तीन विषय और आपके ध्यान में कराने थे। कमेटी बनाने की बातचीत अभी हमारी बातचीत चल रही है तो उसमें अंदर फिर बैठेंगे, लगातार बैठ करके कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये कैबिनेट का एजेंडा नहीं है, वापसी सहमति पर मंत्रिमंडल विस्तार सभी बने बताया ना कि हम आपस में बैठ करके एक एक चीज को तय करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे सब चीजें। आज की जो बातें थी वो आपको बता दी, बाकी फिर बहुत जल्दी अभी जितना एजेंडा है आवश्यक वो बता दिया कि उसमें विधायकों की शपथ और गवर्नर एड्रेस, स्पीकर साहब का चुनाव और गवर्नर एड्रेस के ऊपर चर्चा, उनका धन्यवाद प्रस्ताव, वो जितने समय में पूरा होगा उतना समय वो सर हमेशा विपक्ष बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव कैसा रहा मीटिंग का पहला? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सर एक दुष्यंत जी सर बोल दिया सर, यही समझ में सही समझ में सीएम साहब एच स्टेट वाला इशू था और था, सीएम साहब ने सारी बात रख दी। धन्यवाद।